Hello students, welcome in the class of Constant English. Today you are going to learn the second part of the chapter The Sound of Music from your Bihai book. The title of this chapter is The Shehnai of Bismillah Khan. This chapter tells us about Shehnai and Ustad Bismillah Khan. यह चैप्टर हमें बताता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में और शहनाई के बारे में. He was the best शहनाई player not only in the कंट्री इंडिया बट also इन द वर्ल्ड. वह केवल अपने देश भारत के ही एक बहुत अच्छे शहनाई वादक नहीं थे बल्कि पूरे विश्व में वह सबसे अच्छे शहनाई वादक कहे जा सकते हैं. He loved India very much. वह भारत से बहुत प्रेम करते थे, अपने देश से बहुत प्रेम था उन्हें. He played the शहनाई at the Red Fort on 15th August 1947. To greet the whole nation and so he is a legend. उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को आजादी के दिन पूरे देश को संबोधित करने के लिए शहनाई बजाया और पूरे देश ने उनकी शहनाई को सुना. वह भी एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जिसमें भारत के सभी बड़े नेता उपस्थित थे, इसलिए कह सकते हैं ही इज अ लीजेंड. वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं. नाउ सी द स्टोरी लाइन बाय लाइन. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. बादशाह औरंगजेब ने पुंगी नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने रॉयल रेसिडेंस यानी राजकीय महल में बजाने से मना कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया, क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज बहुत तीखी और कर्कश थी, अनप्लीजेंट साउंड था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. और पुंगी एक जेनरिक नेम यानी कॉमन नेम बन गया था, एक नाम कह सकते हैं उसका रियल नेम बन गया था. किसके लिए? रीडेड नॉइज मेकर्स यानी वैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एयर कॉलम से साउंड निकलता है और वह नॉइज मेकर की तरह पॉपुलर हो गया था, यानी शोर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कहलाने लगा था. Few had thought that it would one day be revived. कुछ ही लोगों ने सोचा था कि एक दिन यह वापस अपने अच्छे रूप में आएगा. Revive means अपने अच्छे रूप में वापस आना, एक नए रूप में वापस आना. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक barber, that means एक नाई जो shaving करता है, बाल बनाता है, और वह professional musicians family से था, यानी संगीत बजाने वाले, संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ परिवार का वह सदस्य था, और who had access to the royal palace, जिसकी पहुंच राजकीय महल में भी थी, बादशाह के पास थी. उसने डिसाइड किया, उसने तय किया कि वह इम्प्रूव करेगा, सुधारेगा उसके टोनल क्वालिटी को, यानी पुंगी का जो साउंड था उसके क्वालिटी को सुधारेगा. ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो स्ट्रीम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने चुना एक ऐसे पाइप को जो नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज से, जो बांस से बना हुआ था, और वह पुंगी के कंपैरिजन में, पुंगी के तुलना में थोड़ा ज्यादा लंबा और थोड़ा चौड़ा भी था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में 7 छेद उसने बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड. और जब उसने इसे बजाया, इसे प्ले किया,
उसमें से जो होल बनाए थे, कुछ छेद बनाए थे, उनको किसी को बंद करके किसी को खोल करके, तो उससे एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, मेलोडियस यानी मधुर। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को राजकीय दरबार में बजाकर सुनाया और सभी लोग प्रभावित हुए। इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसका एक नाम भी देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, दैट इज बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई। ऐसी एक कहानी प्रचलित है, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन ऐसी कहानी लोग कहते हैं कि इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर्स, या सबसे पहले साह के चैम्बर में, बादशाह के चैम्बर में, उसके राज महल में बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और इसको बजाने वाला एक नाई था, एक बार्बर था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया सहनाई। साह और नाई दोनों शब्द मिलकर के सहनाई बन गया, ऐसा लोग कहते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और सहनाई की जो आवाज थी इसे बड़ा पवित्र माना जाने लगा। ऑस्पिशियस यानी पवित्र, होली। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण से इसे अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है, यानी धार्मिक कार्यों में बजाया जाता है। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारत के शादी में यह एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, यानी जिसको डाला नहीं जा सकता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, इंडिस्पेंसेबल यानी अत्यंत आवश्यक इंस्ट्रूमेंट के रूप में शादियों में इसे बजाया जाता है। हम लोग भी देखे होंगे, हम लोग के यहाँ शादी। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत ऑफ ट्रेडिशनल इंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पहले सहनाई को नौबत यानी कि जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स के, 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप हुआ करता था राजशाही दरबार में, उसका एक हिस्सा रखा गया था, सहनाई उसमें आवश्यक रूप से बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तक यह मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस सहनाई को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्टेज पर पहुंचाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, और 5 साल के बच्चे के रूप में बिस्मिल्ला खान गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के पास बिहार के डुमराव राज्य में। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. और वह नियमित रूप से हमेशा वहीं पर बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। चैता यानी चैत्र मास में जो गीत गाया जाता है उसे चैता कहते हैं, और भोजपुरी भाषा में वह चैता गाया करते थे शुरू से ही बिहारी जी टेम्पल में। और एट द एंड और अंत में, उनके गाने के अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और उन्हें एक बड़ा सा लड्डू दिया जाता था वेइंग 1.25 kg, 1.25 किलो का बड़ा सा लड्डू,
एज अ प्राइज, पुरस्कार के रूप में वहां के लोकल महाराजा के द्वारा, वहां के जो राजा थे डुमराव राज्य के, उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये पुरस्कार बहुत समय पहले, 80 साल पहले की बात थी, और वही छोटा बच्चा आगे चल करके भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो किसी सिविलियन को, आम नागरिक को दिया जाता है, भारत रत्न, उसको भी प्राप्त किया। बॉर्न ऑन 21st March 1916, बिस्मिल्ला खान बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 के जन्मे बिस्मिल्ला खान बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से आते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी भोजपुर राजा के दरबार में सहनाई नवाज के रूप में काम करते थे, यानी वहां के सहनाई बजाने वालों में वह प्रमुख थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स, यानी जो पिता के पक्ष के पूर्वज थे, उनके पिता, उनके दादाजी, उनके और भी जो पूर्वज थे, वे सब बड़े सहनाई प्लेयर थे, सहनाई के अच्छे कलाकार थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। और उस छोटे बच्चे ने संगीत को अपने शुरुआती जीवन में ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। जब बिस्मिल्ला खान केवल 3 साल के थे, उनकी माँ उन्हें पैटर्नल अंकल्स हाउस यानी मामा के घर, मैटरनल अंकल यानी मामा, मामा के घर बनारस, जिसका कि नाम अब वाराणसी हो गया है, वहां लेकर गई थी। और बिस्मिल्ला खान वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई। फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना। बिस्मिल्ला खान एकदम आकर्षित हो गए थे अपने अंकल को, अपने मामा को सहनाई का प्रैक्टिस करते हुए देख करके। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पेनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज इम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। और जल्दी ही बिस्मिल्ला खान सहनाई सीख करके अपने मामा, अपने अंकल का साथ देने लगे। एकम्पेनी मीन्स साथ देना। उनके मामा अली बख्श, जो कि विष्णु टेम्पल बनारस में सहनाई बजाया करते थे, उनको वहां सहनाई बजाने की जिम्मेवारी मिली थी, नौकरी मिली थी, उनके साथ बिस्मिल्ला खान भी सहनाई बजाने के लिए जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहां पर मंदिर में सहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्ला खान बैठ जाते थे, किस तरह से कैप्टिवेटेड यानी बंद करके, एकदम जैसे बंध गए हो उस आवाज के साथ, वैसा घंटों बैठकर वह सहनाई सुना करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने सहनाई का पाठ सीखना शुरू किया और पूरा दिन बैठकर वह प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास किया करते थे। थ्रू आउट मीन्स द होल कंप्लीट, पूरा दिन। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, और सालों तक बालाजी टेम्पल बनारस में है, वहाँ पर
आना, या फिर मंगला मैया टेम्पल, वहां पर बनारस में ही मंगला मैया टेम्पल है, और द बैंक्स ऑफ द गंगा या गंगा नदी के किनारे पर आना बिकेम द यंग अप्रेंटिसेज फेवरेट हॉन्ट्स। ये सब स्थान उस नए प्रशिक्षु अप्रेंटिस यानी जो किसी भी कार्य को अभी नया नया सीखा हो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। बिस्मिल्ला खान ने जब शहनाई का अभ्यास करना शुरू किया था, वह सीख गए थे शहनाई बजाना, अभी नए थे, तो मंगला मैया टेम्पल, बालाजी टेम्पल और बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के जो तट होते थे, वे उनका फेवरेट हॉन्ट्स बन गया। हॉन्ट यानी अड्डा, एकदम प्रिय स्थान बन गया उनके लिए। वेर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स लोनली, अकेला में, एकदम शांत अकेले में वह अभ्यास किया करते थे शहनाई का वहां जाकर। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागस दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। जो गंगा की लहरें थी, फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा, गंगा की धारा इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित करती थी क्या करने के लिए, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागस, नए नए रागों का आविष्कार करने के लिए, और वैसे रागों का जो अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसे पहले समझा जाता था कि वह शहनाई के रेंज से परे है, दूर है, शहनाई में उन सब राग को नहीं बजाया जा सकता है, वैसे वैसे राग बिस्मिल्ला खान ने बनाए और शहनाई पर उसे बजाया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला accompanied हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, म्यूजिक समारोह में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उस कॉन्फ्रेंस में जब इनका शहनाई का वादन हुआ, रिसाइटल मीन्स किसी चीज को बजाना या गा करके सुनाना, तो उस के अंत में, बिस्मिल्ला खान के शहनाई वादन के अंत में, उस्ताद फैयाज खान ने, जो कि एक बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, पैटेड द यंग बॉयज बैक, उसने उस नवयुवक बच्चे के पीठ को थपथपाया, 14 साल के उस बालक के पीठ को थपथपाया एंड सेड, और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कहा कि तुम और मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो और तुम कुछ कर दिखाओगे। विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, और लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन के शुरू होने के साथ, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन शुरू हुआ लखनऊ में, और इसके साथ ही बिस्मिल्ला खान को एक बड़ा ब्रेक मिला, यानी ब्रेक का मतलब जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़, बहुत बड़ा परिवर्तन आया उनके जीवन में। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और बहुत जल्दी ही वह इतने पॉपुलर हो गए कि रेडियो पर उन्हें लोग अक्सर सुनने लगे थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shahnai. और भारत के आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्ला खान वह पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पूरे देश का अभिवादन किया अपने शहनाई से। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और he poured his heart out into Rag Kafi. बिस्मिल्ला खान ने अपना एकदम पूरा दिल का भाव उड़ेल दिया था उस शहनाई के
वादन में, जिसमें उन्होंने राग काफी बजा करके सुनाया था। एक राग का नाम है, संगीत में अलग अलग राग होते हैं, उसमें एक राग है राग काफी, जिसको सुनाते समय बिस्मिल्ला खान ने अपना पूरा दिल का भाव समाहित कर दिया था उस लाल किले पर, जहां पर ऑडियंस में, जहां श्रोताओं में बड़े बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके कार्यक्रम के बाद एक अपना फेमस स्पीच दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त 1947 को दिया था, जिसका नाम है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। बिस्मिल्ला खान ने बहुत से यादगार अपने प्रदर्शन दिए भारत में भी और एब्रॉड यानी दूसरे देशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। सबसे पहला विदेशी दौरा था बिस्मिल्ला खान का अफगानिस्तान का दौरा, जहां पर अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह इतने प्रभावित हुए इस कलाकार से, इस मैस्ट्रो से, इस कार्यक्रम से, कि उन्होंने पुरस्कार के रूप में, उपहार के रूप में बेशकीमती पर्सियन कारपेट और ढेर सारे सोवेनियर्स मीन्स प्रतीक चिन्ह, यादगार चिन्ह, यादगार सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह बिस्मिल्ला खान को दिया था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्ला म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के बादशाह ही बिस्मिल्ला खान के म्यूजिक से आकर्षित होने वाले, फैसिनेटेड यानी आकर्षित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि एक फिल्म के डायरेक्टर, हिंदी सिनेमा के एक निर्देशक विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्ला खान के सहनाई को एक कार्यक्रम में सुनने के बाद, कि उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम, अपने एक सिनेमा का नाम ही रख दिया गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये जो सिनेमा था, यह जो फिल्म थी दिल का खिलौना हाय टूट गया, उसमें एक गाना था बिस्मिल्ला खान के द्वारा कंपोज किया हुआ। बिस्मिल्ला खान ने उस फिल्म में संगीत दिया था इस गाने में, और यह क्या हुआ, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर यानी रिकॉर्ड ब्रेकर, एकदम रिकॉर्ड तोड़ने वाला गाना यह बना। यह फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू टू। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ह्यूज सक्सेस, बड़ी सफलता, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, इतनी विशाल सफलता के बावजूद द सेलुलॉयड वर्ल्ड यानी सेलुलॉयड मीन्स द मेकिंग ऑफ फिल्म, द टेक्निक ऑफ मेकिंग फिल्म इज नोन एज सेलुलॉयड। ये जो फिल्म निर्माण का संसार था, इसने बिस्मिल्ला खान को बांध कर नहीं रखा, बिस्मिल्ला खान उसमें नहीं रहे। बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म्स म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू टू, केवल दो ही फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, वहीं तक सीमित रह गया, वे आगे उसमें नहीं रहे। विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड
विक्रम श्रीनिवासाज कन्नड़ वेंचर सनधि अपन्ना, यही दो फिल्म में उन्होंने संगीत दिया था। एक कन्नड़ फिल्म था विक्रम श्रीनिवास का बनाया हुआ जिसका नाम था सनधि अपन्ना, और विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी सहनाई। केवल यही दो फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। क्या कहते हैं वह संगीत देने के बारे में फिल्मों में, कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद द इम्फेसिस। इम्फेसिस यानी जोर देकर के। बिस्मिल्लाह खान जोर देकर के कहते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियलिटी यानी कृत्रिमता। फिल्म में क्या होता है, सब कुछ कृत्रिम, सब कुछ आर्टिफिशियल होता है, उसमें रियल चीज नहीं होता है। तो कहते हैं कि ये जो कृत्रिमता है मैं इसको नहीं सहन कर सकता हूँ, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। जो फिल्म का ग्लैमर है, ये जो तड़क भड़क है, ग्लैमर यानी तड़क भड़क, यह मुझसे नहीं होगा, ऐसा कह करके उन्होंने फिल्म की दुनिया को छोड़ दिया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। पुरस्कार और उनका जो नाम था, रिकॉग्निशन मीन्स फेम नेम, उनका जो जस और पुरस्कार जो है वह धीरे धीरे कैसा होता गया, थिक एंड फास्ट यानी बढ़ता चला गया। उनके पुरस्कारों की संख्या बढ़ती चली गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टीजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान भारत के पहले ऐसे कलाकार थे जिनको अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, अपना सहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया गया था। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल। उन्होंने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कान आर्ट फेस्टिवल, जिसमें विश्व के हजारों कलाकार भाग लेते हैं एक साथ, 10-15-20 हजार कलाकार एक साथ भाग लेते हैं। उतने बड़े कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया था। ये मॉन्ट्रियल में आयोजित किया जाता है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और ओसाका जो कि जापान में है, वहाँ के बहुत बड़े एक व्यापार मेला में उनको सहनाई बजाने के लिए भी बुलाया गया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में, ईरान जो देश है वहाँ पर तेहरान शहर में एक ऑडिटोरियम, एक बहुत बड़ा हॉल जहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया। सोच सकते हैं कि भारत के व्यक्ति के नाम पर ईरान में एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, बहुत बड़े ऑडिटोरियम का नाम। उसका नाम था ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड टू हिम। और भारत सरकार के द्वारा भारत में उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिले थे, जिसमें से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये सब बड़े बड़े पुरस्कार हैं जो उन्हें दिए गए थे। कन्फर मीन्स टू गिव, देना, सम्मानित करने के लिए देना। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो किसी सामान्य नागरिक को दिया जाता है, भारत रत्न, वह दिया गया विद द कोवेटेड अवार्ड
resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. With the coveted award, coveted means very much desired, जिसकी इच्छा बहुत रहती है लोगों को पाने की, वैसे पुरस्कार को प्राप्त करके, resting on his chest, उस पुरस्कार को अपने सीने से लगा करके, and his eyes glinting, glinting means चमकता हुआ, अपने चमकते हुए आंखों के साथ, with rare happiness, और एकदम rare happiness यानी दुर्लभ खुशी जो आसानी से नहीं मिलती है, वैसी खुशी के साथ उन्होंने कहा था, All I would like to say is, कि मैं जो अभी जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यह है कि Teach your children music, कि अपने बच्चों को आप लोग संगीत सिखाएं, This is Hindustan's richest tradition, यह भारत का सबसे समृद्ध परंपरा है, Even the West is now coming to learn our music. यहाँ तक कि जो पश्चिम है यानी पश्चिमी देश वह हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं. In spite of having travelled all over the world, Khan साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे विश्व में घूमने के बावजूद खान साहब, जो कि उन्हें प्रेम से बुलाए जाने वाला नाम था, लोग उसे प्यार उन्हें प्यार से खान साहब कह के बुलाते थे, वह बनारस और डुमराव से बहुत लगाव रखते थे. He is exceedingly fond of बनारस, मतलब वो बनारस से उन्हें विशेष लगाव था, बहुत अधिक लगाव था. And they remain for him the most wonderful towns in the world. और ये दोनों शहर डुमराव और बनारस उनके लिए विश्व के सबसे अच्छे शहर के रूप में उनके दिल में रहा, यानी कि विश्व का कोई दूसरा शहर बनारस और डुमराव से ज़्यादा अच्छा उन्हें कभी नहीं लगा. A student of his once wanted him to head the Shahnai School in the USA. एक बार उनका एक स्टूडेंट USA में एक शहनाई स्कूल चलाना चाहता था और उसका हेड, उसका प्रमुख बिस्मिल्ला खान को बनाना चाहता था. एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेंटिंग द टेम्पल्स देयर. और उसने प्रोमिस किया, वादा किया बिस्मिल्ला खान से कि वहां पर USA में वह बनारस के जैसा मंदिर बना देंगे ताकि उनको लगे कि वह बनारस में ही हैं. बट खान साहब asked him, लेकिन खान साहब ने पूछा अपने उस स्टूडेंट से, if he would be able to transport river Ganga as well, कि क्या तुम गंगा नदी को भी वहां पर ले जा सकोगे क्या. That means he refused to go there. उन्होंने इनकार कर दिया जाने से अमेरिका, भारत से उन्हें इतना प्रेम था. Later he is remembered to have said, और बाद में वह ऐसा कहते थे, याद करते थे, That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. कहते थे कि इसीलिए मैं जब किसी दूसरे विदेश की धरती पर होता हूँ तो अपने हिंदुस्तान को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ. While in Mumbai, I think of only Banaras. और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ. एंड द होली गंगा, बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड व्हाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव. जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमराव के जो अनूठे मठ हैं उनको मैं मिस करता हूँ, उनको याद करता हूँ. उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. बिस्मिल्ला खान का जो जीवन है वह एक सटीक उदाहरण है भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है उसका. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द
काशी विश्वनाथ टेम्पल। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, एफर्टलेसली मतलब बिना प्रयास के एकदम सहज रूप से वह स्वीकार करते हैं कि ए डिवोट मुस्लिम, डिवोट मीन्स कट्टर, एकदम सख्ती से जो किसी चीज का पालन करता हो उसको डिवोट कहते हैं। तो एक कट्टर मुस्लिम होते हुए भी वह हर सुबह एकदम नेचुरली स्वाभाविक रूप से काशी के विश्वनाथ टेम्पल में वह सहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21st August 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बिस्मिल्लाह खान का निधन 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनका, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था उनके मृत्यु पर। दिस इज द स्टोरी द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।